नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में स्थित जनेश्वर मिश्रा पार्क में ले चलते हैं। इसके बारे में हम कुछ आपको दिखाएंगे और इसकी झलकियाँ देखिए। बस ये रहो, हम लोगों ने एंट्री कर ली और एंट्री के बाद ये फुवारा, फुवारे के बाद एंट्री सीन है। ये बहुत ही सुंदर पार्क है। अगर आप लखनऊ आते हैं घूमने के लिए तो इस पार्क को जरूर देखें। और ऐसा माना जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा सुंदर पार्क है, उद्यान। यहाँ पे इतनी फैसिलिटी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। आने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए चारों तरफ का नज़ारा, पेड़, बांस के पेड़ और विभिन्न प्रजातियों के पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं। और हम लोग जब यहाँ पे गए तो थोड़ी शाम हो गई थी। देखिए हल्का दिन है और हल्की रात है, लगभग 6-7 बजे का टाइम है। और संडे था तो बहुत से लोग आए हुए थे। लंबा जाना पड़ेगा। और एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है ये। आप यहाँ के बहुत ही अच्छा अपना टाइम करके लाते हैं और अपनी फैमिली। देखिए यहाँ पे एंट्री के मेन फ्रंट पे एक बड़ा सा जहाज लगा हुआ है, जिसको छोटे बच्चे देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। इसका भी अपना एक इतिहास है। जब आप यहाँ आएंगे इसको देखेंगे तो यहाँ पे लगा हुआ है कि कैसे इसको यहाँ लाया गया। और सामने फ्रंट पे जनेश्वर मिश्रा जी की खूब बड़ी सी मूर्ति गोल्डन लगी हुई है, उनकी याद में पार्क बनाया गया। ऐसे लोहे की प्लेट्स हैं जिसमें उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है कि उनका जन्म बलिया में हुआ, किस प्रकार उन्होंने समाज की सेवा की और समाजवादी पार्टी से जुड़े। ये मूर्ति दूर से देखने पर तो बड़ी सुंदर लगती है और पास आने पर काफ़ी बड़ी है। और बहुत से लोग यहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। बहुत ही सुंदर ब्लैक मार्बल का यूज हुआ है यहाँ पे। जनेश्वर मिश्रा पार्क अपने आप में एक सुंदर उदाहरण है सुंदरता का। यहाँ पे मूर्ति ही नहीं है या फिर मिग एरोप्लेन जो है वही नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप पूरा दिन अगर घूमते हैं तो नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ये इतना बड़ा पार्क है, इसीलिए इसको एशिया का सबसे बड़ा पार्क कहा जाता है। और देखिए संडे था और बहुत से लोग विद फैमिली यहाँ आते हैं। बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फियर है। इतने पेड़ लगे हुए, इतनी सुंदरता है यहाँ पे, इतनी हरियाली है। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे, मैं और मेरी फैमिली, तो लाइटिंग ऑन हो गई थी, जितनी भी लाइटिंग थी, तो इसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे, इंजॉय कर रहे थे और पिक ले रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। और इसकी जो मार्बल है और यहाँ का जो एटमॉस्फियर है बहुत क्लीन है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है, कहीं भी आपको गंदगी नहीं दिखेगी। देखिए पूरी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया। और ये जो पाथ है, और जो यहाँ की मछलियाँ हैं इसको तो आपका मन मोलेंगी, है ना, जो यहाँ की मछलियाँ हैं वो आपका मन मोलेंगी। और इसको इतने सुंदर तरीके से बनाया गया है। देखिए मैं आपको उधर का व्यू दिखाती हूँ। छोटे छोटे ब्रिज और झील आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और सुंदर लग रहे हैं। हरियाली, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। जब भी आप यहाँ पे कोई फैमिली पिकनिक और एंटरटेनमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उधर देखो वो डांसिंग वाले फाउंटेन लगे उधर। क्यों नहीं भीड़ का मालूम है, चले गए थे लोग आते हैं। चलो अगर आप जनेश्वर मिश्रा पार्क आते हैं तो ये बहुत ही सुंदर जगह है आपके एंटरटेनमेंट के लिए। देखो साइकिल दो। दोस्तों ये 376 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ पार्क है और यहाँ पे छोटे छोटे ब्रिज आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और इतनी बड़ी मानव निर्मित झील है, उसमें मछलियों का पालन किया गया है जिनको आप कुछ खाने का सामान दे सकते हैं। वो बहुत कलरफुल है और भी कई जीव हैं जो आपका मन मोह लेंगे। बहुत ही प्यारी सुंदरता है यहाँ की। और यहाँ पे इतने ट्रैकिंग पास, साइकिलिंग पास बने हुए हैं, आप रेंट पे साइकिल लेकर के साइकिलिंग कर सकते हैं और एक अच्छा खासा पूरा दिन आप यहाँ पे स्पेंड कर लेंगे। और जो यहाँ की मछलियाँ हैं वो लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन है। वो कलरफुल है और बहुत ही एक्टिव है, चंचल है। देखिए खाने के लिए वो आपस में कैसे एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आ रही। लोग आटे की गोलियाँ, पॉपकॉर्न, बिस्किट डाल रहे हैं और ताकि वो ऊपर आए और लोग उन्हें देखें। छोटे बच्चे इसको देख के बहुत एक्साइटेड होते हैं
और हम लोग भी बहुत खुश हो रहे थे। देखिए कितना ये आपस में कितनी जीवंत लग रही है, और इनको देख के जो ये मछलियाँ हैं, अगर आप गणेश्वर मिश्रा से जब भी वापस जाएंगे तो अगर आप कुछ भूल भी जाएं लेकिन इनको नहीं भूलेंगे, ये आपको पूरे झील में सब जगह फैली हुई नज़र आएंगी। और इनका रख रखाव और जो भी है इस पार्क का, वो लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। और ये लखनऊ की सुंदरता, जितनी भी लखनऊ में सुंदरता है वो सुंदरताओं में से ये एक है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और हर एज के लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है। और यहाँ आके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, एक मनमोहक शांति मिलेगी। और आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं आपको दिखाते हैं बड़े 376 एकड़ में फैला हुआ पार्क, गणेश्वर मिश्रा जी की मूर्ति, उनके लाइफ से जुड़े हुए स्टील प्लेट पे उत्कीर्ण किए गए शब्द, इंटरकनेक्टेड झील, बोटिंग। कुछ समय पहले ऐसा हम लोग देखे थे कि यहाँ पे स्टीमर चलते थे, लेकिन किन कारणों से वो अभी नहीं चल रहे हैं। मे बी फ्यूचर में हम फिर जब कभी आ पाए तो आपको स्टीमर का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। देखिए कितनी छोटी छोटी मछलियाँ हैं, बड़ी मछलियाँ हैं, इनसे तो आपकी नज़र हट ही नहीं सकती। आप जिधर भी मुड़ेंगे जी चारों तरफ मानो निर्मित झील, और ये मछलियाँ आपको हर तरफ दिखेंगी। और जैसे ही आप कुछ खाने का सामान इसमें डालते हैं ये तुरंत पूरे सैकड़ों ग्रुप में ऊपर आ जाती हैं और देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। पानी पी ले रही हैं, सब खा नहीं पा रही हैं। आराम से गिनना नहीं, बहुत ही अच्छा सीन है। गणेश्वर मिश्रा पार्क आप जब भी आए तो यहाँ पे जो मछलियाँ हैं ये आपको बहुत अच्छा मनोरंजन करती हैं। अगर आप अपने घर से कुछ छोटी मोटी चीज़ें खाने खिलाते हैं, आटे की गोलियाँ, चिप्स या वाओ जंपिंग फिश, तुम्हें कड़वेल नमकीन डाल दी, वाओ भागो नहीं, रुको तुम्हें डर लगता है। दान बोलो, इधर डालो ना उधर। तो अपने साथ अगर आटे की गोलियां कुछ खाने का सामान लेके आते हैं तो ये मछलियां आपके मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन है। ये आपस में देखिए एक दूसरे से कैसे फाइट करती हैं। वाओ आप भैया वेस्ट ना करो ज्यादा, उधर देखिए बड़ी बड़ी वाली उधर है वो। अरे गजब कूदी। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, आप जब कभी इस पार्क में आते हैं तो ये एक पेड पार्क है, यहाँ पे आपको 10 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा पर पर्सन, एक व्यक्ति का 10 रुपये टिकट। और उसके बाद आप इस पार्क में एंट्री कर सकते हैं और इसका कोई लिमिट नहीं है, आप फुल डे इसमें इंजॉय कर सकते हैं आपके पास जितना भी टाइम हो। उसके बाद पार्क ट्रैक साइकिल रेंट पे लेना, इसमें एक छोटी वैन भी चलती है जो आपको पूरे गणेश्वर मिश्रा का सैर कराएगी, वो भी है। और खाने पीने के आइटम भी यहाँ पे हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं आप, बैठ सकते हैं, और बहुत ही शांत और शुद्ध वातावरण है, कपल्स के लिए बेस्ट जगह हो सकती है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, एक पिकनिक स्पॉट अच्छा सर्च कर रहे हैं लखनऊ में, तो गणेश्वर मिश्रा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। बच्चों के लिए भी अट्रैक्शन है यहाँ पे बहुत ढेर सारे, और जब भी आप यहाँ पे जाएं तो अपने साथ पानी की बोतल, खाने का सामान, चिप्स, बच्चों के लिए सामान, कुछ मछलियों के लिए चारा जरूर लेके जाएं, इससे आप
का समय वहाँ पे बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। आप इंजॉय करेंगे, वहाँ की चीज़ों को देखेंगे और आपको थकान भी नहीं लगेगी और आपको कुछ लेने के लिए बार बार बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि 376 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एशिया का सबसे बड़ा सुंदर उद्यान है, तो अगर आप एक कॉर्नर पर हैं तो दूसरे कॉर्नर पर जाने के लिए आपको कई गेट बने हुए हैं, कई रास्ते हैं, जाना पड़ेगा। और आपकी साथ अगर चीज़ें रहेंगी तो शायद आपको बहुत सहूलियत रहेगी बच्चों के साथ चलने में और आपको जनेश्वर मिश्रा पार्क घूमने में आनंद भी आएगा। और शाम के समय अगर आप आते हैं तो यहाँ पे डांसिंग फाउंटेन स्टार्ट हो जाता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्शन का व्यू होता है। बच्चे देख के बहुत खुश होते हैं और सच में वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो जब भी आप यहाँ आते हैं तो एक अच्छा खासा टाइम लेके आइए, ताकि आप थोड़ा सा टाइम इसका दिन में देख पाएँ और थोड़ा नज़ारा आप इसका शाम को ले पाएँ, ताकि दोनों फीलिंग आपको मिले और दोनों तरह से आप इसकी सुंदरता को निहार पाएँ। जनेश्वर मिश्रा पार्क मुझे तो बेसिकली बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, और मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मछलियों के लिए कुछ ना कुछ चारा लेके आती हूँ, आटे की गोलियाँ जैसी कुछ, और जैसे ही मैं डालती हूँ तो ये पूरे ग्रुप में आगे आ जाती हैं और देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ की शांति, यहाँ की हरियाली ही यहाँ की सुंदरता है। इतने सुंदर सुंदर पेड़ हैं, इतनी ज़्यादा पेड़ हैं कि आप चलते रहेंगे और उनकी संख्या ख़त्म नहीं होगी। और साफ़ सफाई, वातावरण सब कुछ अच्छा है। तो दोस्तों, जब कभी आप लखनऊ आते हैं या विजिट करते हैं तो आप जनेश्वर मिश्रा पार्क आएँ और यहाँ का आनंद लें। मैंने अपनी छोटी सी क्लिप में चीज़ों को ऐड करने की कोशिश की है, बट जितना सुंदर ये पार्क है और जितनी इसमें बातें हैं उतना सब कुछ नहीं हो पाया। आप यहाँ आएंगे तो इसको और भी सुंदर पाएंगे और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। बाकी अगर कुछ होता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में से इंक्लूड करूँगी। थैंक्स। पहले बुला ले तब तो लड़ाई होगी। जूम करो ना तुम। जूम है भाई। ये पत्थर ना आए। पत्थर नहीं आए। क्या? छूट गया। वो नीचे से बड़ा सा निकला, देखो। वो लड़ाई हो गई। देखो 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 देखो। बड़े की लड़ाई हो रही है। अभी का लुक है। लोटम डालो हम करें।